बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर जो थी वीज़ा कामा एक्सटेंशन के लेके, और सऊदी अरब ने जो अनाउंस किया था कि हम लोगों ने वीज़ा कामा एक्सटेंशन 10 फरवरी तक बढ़ाया, उसके बाद फिर अनाउंस हुआ कि हम लोगों ने वीज़ा कामा एक्सटेंशन जो है 31 मार्च तक बढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर अमल शुरू हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हमारे दोस्त हैं, इनका वीज़ा कामा एक्सटेंशन मिल गया है जो 31 जनवरी तक, इंशाल्लाह जब 31 जनवरी आएगा उसके बाद इंशाल्लाह जो अकामा वीज़ा एक्सटेंशन है ये इंशाल्लाह पूरा होगा अल्लाह ने चाहा तो। इसके बाद जो मेरे बहुत से भाई लोग हैं जिनके साथ मैंने ये 2-3 महीने में ज़मीन पे काम किया, ज़मीन पे यानी मैं अपना वर्क समझता हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मेरा काम ज़िम्मेदारी ये है कि मैं वीडियो बना के पीछे नहीं हटता, कि मैंने वीडियो सबमिट कर दी, मैंने पोस्ट कर दिया कि आपका वीज़ा काम एक्सटेंशन हो गया, ये पोस्ट ज़रा आप वीडियो देख लो, अकाम वीज़ा चेक कर लो। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमको किसी की मदद करना है तो हमको उनके साथ जुड़े रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया उसके बाद मुझसे हज़ारों लोगों ने तादाद में मैसेज किया आप, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हज़ारों का जवाब दिया। मेरे रब ने इतनी ताकत मुझे दी और इतनी सलाहियत दी कि मैं उन हज़ारों लोगों को मैसेज का रिप्लाई किया हूँ, कोई एक बंदा भी नहीं छूटा जो आके कहीं कमेंट्स कर सके कि हाँ शाबू भाई आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, आपने मेल आईडी नहीं दी, आपने मुझे फॉर्म फिलअप नहीं कराया जवाबात में मेल करने का, या ऐसा कोई भी केस अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिविटी नहीं आई। मैंने हज़ारों लोगों को मेल आईडी प्रोवाइड की, हज़ारों लोगों से बात की, हज़ारों लोगों को मैंने आइडिया बताया कि आप इस तरह करें, आपका वीज़ा काम एक्सटेंशन होगा, आप यहाँ बात करें वहाँ बात करें। कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पे काम किया, मैं वीडियो बना के, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे काम वीडियो बनाने के बाद सबमिट करने के बाद शुरू होता है, ना कि वीडियो बनाने के बाद मेरा काम ख़त्म होता। तो ये अल्लाह का शुक्र है, और मेरी सोच है, मेरी समझ है कि मैं लोगों की ज़मीन पे मदद करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं लोगों के लिए ही काम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और गुड न्यूज़ थी कि जो अकामा वीज़ा एक्सटेंशन हुआ है उसके अंदर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वीज़ा अकामा एक्सटेंशन होना शुरू हो गया, जो अभी 31 जनवरी तक बोला गया तो वहाँ तक आया है, इंशाल्लाह ये आगे भी आएगा। उसके बाद जो बहुत से भाई लोग को डाउट था, क्योंकि सऊदी अरब ने एक छोटे से लाइन में बोला था हम लोग बैन कंट्रियों का अकामा वीज़ा एक्सटेंशन कर रहे हैं, जो सऊदी अरब में अरब ने बैन कंट्रियों को रखा है। इसके बाद आज जवादात का एक और सऊदी गजट का एक और मैसेज आया जिसे देख के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूह खुश हो गई, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया, और बाकी इनके अंदर जो कंट्रियाँ हैं, एक है अफगानिस्तान और बाकी जितनी कंट्रियाँ हैं उसको हमसे, क्योंकि वहाँ हमारी उर्दू और हिंदी ज़बान को समझा नहीं जाता है तो इसलिए उनका नाम लेके भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन लोग अगर मेरी न्यूज़ देख भी रहे हैं तो, क्योंकि हम तो उर्दू बोल रहे हैं तो उनको तो उर्दू आती नहीं होगी तो फिर मेरी बातें कहाँ समझ पाएंगे। तो इसलिए स्पेशली अगर ये न्यूज़ देखा जाए तो 3 कंट्रियों के लिए स्पेशली है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये बहुत ही अच्छी खबर, यही डाउट था, यही क्वेश्चन था कि भाई हम लोग का वीज़ा काम एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जो, क्योंकि वहाँ सऊदी अरब ने लिखा ही नहीं किसी का नाम, पर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने आज क्लियर कर दिया कि 17 कंट्रियों के जो ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, एक्सटेंशन फ्री कॉस्ट मिलेगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैंने दिखा भी दिया कि वीज़ा कामा एक्सटेंशन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर एक और दो बात है कि वीज़ा कामा चेक कैसे करते हैं, तो आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप सिंपली वहाँ वीडियो चेक कर लेंगे। अगर आपको वीज़ा कामा एक्सटेंशन चेक करना नहीं आता, मैंने पूरा प्रोसीजर के साथ बताया, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना आता अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास लिंक नहीं है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको अकामा चेक की वेबसाइट मिल जाएगी, वीज़ा चेक की वेबसाइट मिल जाएगी, और सिंपल आप मेथड पे अकामा वीज़ा अपना चेक कर सकते हो, और अकामा वीज़ा चेक कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर अगर बढ़ेगा तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स करके मैसेज ज़रूर करके बताइएगा शाबू भाई मेरा अकामा वीज़ा एक्सटेंशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं हुआ तो भी ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में करने में से मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि शाबू भाई मेरा काम वीज़ा अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी 3 से 4 मैसेजिंग आ गए कि मेरा 31 जनवरी तक का काम वीज़ा एक्सटेंशन हो गया, इंशाल्लाह ये आगे मार्च तक भी जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर बढ़ेगा। अगर करना मत भूलिएगा, ज़रूर करके मुझे बताइएगा, मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए कि मेरा काम वीज़ा एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ, तो भी बताइएगा, नहीं हुआ तो भी बताइएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे से हज़ारों की तादाद में लोग डेली बेसिस पर मैसेज कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लोग 350-400 डेली बेसिस पर नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं जो मैसेज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ, सबको मैसेज कर रिप्लाई करता हूँ। मेरी कोशिश ये रही थी कि कोई भी बंदा हो, किसी ने उम्मीद से ही मुझे मैसेज किया है कि मैं भाई को मैसेज करूँगा, भाई मेरा रिप्लाई करेगा, मेरी बात को सुनेगा, मेरा प्रॉब्लम का सलूशन निकालेगा,
तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि कोई एक बंदा भी ना छूटे, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। कोई एक बार मैसेज करेगा तो भी उसको रिप्लाई करता हूँ, कोई 100 बार करता तो भी 100 बार उसको रिप्लाई कर देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने कुछ मैसेज किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा कि भाई मेरे रिप्लाई ज़रूर देगा, मेरे सॉल्यूशन ज़रूर बताएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप ज़रूर वहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बढ़ेगा तो भी चेक करके, नहीं बढ़ेगा तो भी ज़रूर चेक करके मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हाँ भाई मेरा काम है वीज़ा एक्सटेंशन हो गया, और साथ में नीचे डेट लिख दीजिए कब तक एक्सटेंशन आपको मिला है, और नहीं बढ़ा है तो साथ में डेट लीजिए कि मेरा काम है वीज़ा अभी तक एक्सटेंशन नहीं है, ये मेरी पुरानी डेट है। तो आई होप ज़रूर आप इस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा मेरे पास इल्म हो जाएगा, फिर मैं उसी के हिसाब से आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हम लोग जवाहरात को मेल करेंगे, जवाहरात को आगे हम लोग ट्विटर पर कनेक्ट टैग करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम लोग कॉल के ज़रिए या फिर और कोई ऑप्शन देखेंगे इंशाल्लाह, तलाशेंगे, और भी 2-3 ऑप्शन है इंशाल्लाह, हम लोग फिर उस पर काम करेंगे। और जब बढ़ जाएगा तो आपका सबसे पहला काम होगा अपने टिकट वगैरह जो भी है क्वारंटाइन वगैरह आप जितना जल्दी हो सके लेकर सऊदी अरब में एंट्री करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई कन्फ्यूजिंग कोई डाउट होगा किसी चीज़ पर भी आप तो अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, और नहीं तो मेरा व्हाट्सअप लिंक नीचे दिया हुआ आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद जल्दी से जल्दी करूँ। तो एक और छोटा सा काम आपको करना ज़रूर है, क्योंकि मैं आपके लिए रात दिन एक मेहनत करता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट किस तरह करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही आप शेयर का बटन है आप इस वीडियो को और मेरे चैनल लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ। अपना बेहतर ख्याल, अल्लाह हाफिज़।